हेलो, कैसे हैं आप लोग? नमस्ते, गुड मॉर्निंग, वनकम। आपका सबका वेलकम है मेरी ब्लॉग में। ये मेरी रोज़मर्रा की ज़िंदगी है। ऐसे ही कोई बनाता है ब्लॉग मैंने देखा है, बट मैंने ऐसे ही बना लेते हैं। शाम के 5 बज रहे हैं, आई थिंक 5:30 कुछ बज रहे हैं, और हम खाना बना रहे हैं। देखो, जो अच्छी ब्लॉग बनाता है या बनाना चाहता है, उसको आप लोग सपोर्ट तो करते नहीं हो, साफ क्लियर बात है, ठीक है? सपोर्ट करोगे नहीं। और जो बेफालतू की बना बना के आप लोगों को दिखाता है, उसको आप लोग सपोर्ट करते हो, ठीक है? अब मैं ये नहीं बताऊंगी कौन क्या, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है? सबकी अपनी अपनी ज़िंदगी है। अब रोज़मर्रा की ज़िंदगी में मैं रोटी बेल रही हूँ, सही में देखो ना, रोटी बेल रही हूँ। अगर मैं रोटी बेल रही हूँ, मैं सब्जी बना रही हूँ, मैं कपड़े धो रही हूँ, ये सब देखना कौन पसंद करता है? चलो आप लोग करते भी होंगे, पर बनाने वाले को कंटेंट नहीं लगता ना। अब मैं ये कहूँगी कि मैं ये बना रही हूँ, मैं वो बना रही हूँ, अब देखो मैंने सब्जी बनाई, आज मैंने ये बनाया, तो इसमें तो मज़ा नहीं आएगा। जो सब लोग बनाते हैं वही हम लोग बनाते हैं ना। तो मुझे किसी को उल्लू नहीं बनाना, खाना बनाना सीख सकता है बंदा। इंसान को अच्छी बातें अच्छी लगती हैं, और कई लोगों को बना बना के फेंकना अच्छा लगता, मुझे नहीं अच्छा लगता। मैं सीधी सी बात है, ठीक है, मैं उसी चीज़ को बनाऊंगी जो आपको अच्छी लगे, मतलब ब्लॉग वही बनाऊंगी तो दूसरे बंदे तक पहुँचे तो कुछ अच्छा फील आए कि भाई हाँ, अच्छी ब्लॉग बनाइए, इससे कुछ सीखने को मिले। ऐसा नहीं है कि भाई मैं कुछ भी बना के आपको, वो कहते हैं ना, खाना नाम पे बोल दिया भाई पालक पनीर बनाए, मटर आलू बनाए, आज बिरयानी बनी है, चिकन बनाए, और देखा भैया ब्लॉग खोला तो भाई वही रोज़मर्रा की ज़िंदगी दिखा रहा है बंदा। और मेरे हिसाब से जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है, ठीक है? आप चाहते ही नहीं हो कि मैं रोज़ ब्लॉग बनाऊँ, कोई देखते ही नहीं हो, तो मैं किस लिए बनाऊँ ये बताओ आप लोग। जब ऐसे लोगों को आप लोग फॉलो भी करते हो, ऐसा नहीं है कि एक ही बंदे, कितने सारे लोग हैं दुनिया में जो उल्लू बनाते हैं लोगों को, ठीक है? मैं उस चीज़ को बताना नहीं चाहूँगी। मैं ब्लॉग बनाऊँगी बहुत जल्दी, रोज़ का रोज़ बनाऊँगी। मैं भी देखती हूँ कितने लोग मुझे फॉलो करते हैं। अगर बेकुती, मतलब वो बेहुदा चीज़ों में ब्लॉग बन सके तो बात ही अलग है। मतलब क्या कहते हैं उसको, मेरा स्लिप टंग हो गया था कि मैं जुबान लड़खड़ा गई थी, और मैं क्या बोलूँ, मतलब ये होता है कि मैं कुछ भी बना के आपको दिखा दूँ, और मतलब वो ये फॉलो कर सकते हो, है ना, डेफिनेटली कर सकते हो। तो मैं उस चीज़ को नहीं बोलूँगी कि भाई आप मेरे को फॉलो करो, कम से कम ब्लॉग देखो तो सही, पसंद नहीं आए तो ना सही, अनलाइक कर दो, कुछ भी नहीं पसंद भी आ सकता है, ज़रूरी नहीं है कि बंदे को पसंद आए हमारी ब्लॉग, है ना, साफ बात है, सिक्स सेंस वाली बात है यार। अगर आप लोग आकर देखते हो तो रिस्पॉन्स तो करो, हाँ मैंने देखा है, दैट्स इट। आपको अच्छा लगे अच्छा लिखो, गलत लगे गलत लिखो। मैंने इससे पहले एक ब्लॉग बनाया था, किसी के बारे में बनाया था, वो जानते हैं जितने लोगों ने मुझे फॉलो किया हुआ है, उन लोगों को भी पता है। बार बार तो मैं बोलूँगी नहीं उन बंदी का नाम, मैडम जी का जो भी है, किसी का नाम लेना अच्छा भी नहीं लगता है ना, बट उनके ब्लॉग्स में कुछ कभी कभी उतनी इमोशनल हो जाती है, इमोशनल क्या कहते हैं उसको, कुछ भी, मतलब किसी की भी बेइज्जती करनी मिनटों में कर देती है मैडम जी। वो कहते हैं ना कि इंसान के जब वो क्या कहते हैं, हाँ, हवा में उड़ने लग जाते तो नीचे उतरने का मन नहीं करता, कहते यार हवा में ही रहने दो ना, नीचे उतर के करेंगे क्या, वो वाला हाल है। पर ये भूल जाते लोग कि हवा में ज़्यादा देर उड़ नहीं सकते, क्योंकि तूफान आंधी आ गया तो नीचे गिरेंगे ना, वो लोगों को नहीं पता चलता। मैं ये नहीं समझ में आ रहा मुझे किस चीज़ पे ब्लॉग बनाना चाहिए। खाने पे देखो, रोज़ रोज़ हम लोग, ये तो नहीं है कि रोज़ रोज़ अच्छी अच्छी वैरायटी खाना बनाएंगे ब्लॉग बनाने के लिए, ठीक है? हर इंसान यही सोचेगा कि क्या ब्लॉग बनाया जाए। अब मैं कहूँगी नहीं जी मैं तो रोटी बना रही हूँ बेलन लेके, आज मेरे 15 रोटी बनी है,
आज मैंने 4 कटोरी दाल बनाई है, आज मैंने भात बनाई है। कौन सी भात? हाँ, बीन्स की, आलू की बनाई है। ये सब मैं नहीं बोल सकती भाई, मेरे को कंटेंट होना चाहिए, कुछ अच्छा फील आना चाहिए, कुछ बात मजेदार लगनी चाहिए, तब जाके मैं बनाऊंगी, ठीक है ना। और रही बात, जैसे हैं हम वैसे ही बना दिया। अब लोग कहेंगे ना कि भाई देखो, दाल ना अनाज की बात, उल्टी सीधी बात डाल दी। कई लोग ये भी लिखेंगे कि भाई ऐसा क्यों बनाया। भाई मेरे पास है ही नहीं कंटेंट। अगर कुत्ता बिल्ली दिखा के अगर कंटेंट बना सकते तो मुझे नहीं अच्छा लगता मैं अपने बच्चे का नुमाइश करूं, ठीक है ना। अब मेरे पास भी कुत्ता है, कहने को मैं ये कर सकती हूँ, अरे मैंने आज कुत्ते के लिए इतनी शॉपिंग की है, आज मैंने आटा लिया, दाल लिया और मसाला लिया है। मेरे मसाले हैं देखो, मैंने आज लिया धनिया, मिर्ची, हल्दी, गरम मसाला और दाल। घर के लिए मैं शॉपिंग करके आई हूँ। इसको शॉपिंग नहीं कहते, राशन कहते हैं। और राशन जरूरी नहीं होता कि दिखाना है ब्लॉग में, क्योंकि ये सब चीज़ें एक नॉर्मल जिंदगी में सब लेते हैं। अगर ये सब दिखाने, नहीं जी मैं तो ये खाती हूँ, मैं तो ये सब खाती हूँ। जब सब लोग इंसान हैं, सब लोग एक ही चीज़ खाते हैं, दाल चावल, ये तो सब लोग बनाते हैं। कुछ स्पेशल बना दो बता। हाँ जी, आज मैंने स्पेशल बनाया, आज मैं होटल गई थी, आज मैं ये लेके आई थी सेट। पर कई लोग ऐसे भी होते हैं जो दाल, चीनी, चाय पत्ती, हल्दी, गरम मसाला, ये भी दिखाते हैं ब्लॉग में। और घर में कितनी रोटी बनी और कितनों के लिए बनी, ये भी दिखाते हैं ब्लॉग में। और मुझे नहीं समझ में आती, इसको देखकर कई लोग लाइक करते हैं, कमेंट्स लिखते हो, मेरे को अभी तक नहीं समझ में आया इसमें कमेंट्स लिखने वाली क्या बात है। कई लोग कहते हैं, अरे बाप रे क्या बात है, आप आज घर के सामान लाए हो। अरे यार हद हो गई, मुझे ये नहीं समझ में आता इसमें लिखने वाली क्या बात है। एक काम करो ना, मेडिक ये खाना मतलब स्टोर चले जाओ, वहाँ दाल, चीनी, चाय पत्ती, गरम मसाला, हल्दी सब दिख जाएगा, इससे ज़्यादा दिखेगा। उसको भी लाइक कर दो, बोलो भैया बहुत अच्छी बात है, इतना सारा सामान रखा हुआ है, हम तो आपको तो ब्लॉग बनाना चाहिए। अगर मैं आइसक्रीम खाने को ब्लॉग बना दूँ, वो ब्लॉग नहीं कहलाता, वो मतलब अजीब चीज़ कहलाती है भाई। मैं रोटी बनाते बनाते मैं रोज ये कहूँ मैंने आज दाल चावल बनाई है, क्योंकि मेरा मन नहीं था, दाल चावल बना दी, आज मैंने रोटी बनाई है, आज कोफ्ते बनाए हैं। आई डोंट लाइक इट, ये चीज़ देखना। चलो यार, मैंने दाल दिखा दी, अच्छी बात है कि आप कैसे दाल बनाते हो, ठीक है भाई, बड़ी बात नहीं है। पर रोज़ रोज़ मैं वो चीज़ नहीं दिखाऊंगी, है ना। बट वही मैं पूछ रही हूँ, अगर कोई इंसान, ठीक है मार्केट जाता है अच्छी बात है, वो दिखाना चाहिए। अगर कोई इंसान ये दिखाए कि मैं चीनी लेने गई थी, मैं चाय पत्ती लेने गई थी, मैंने आज चाय पत्ती लिया, चीनी ली, आटा लिया, ठीक है, और ये बोले कि भाई मैंने ये सब चीज़ें ली हैं और इन सबको मैं लेने गई, इसमें मेरा टाइम गया और इसके लिए मैंने इतनी मेहनत की और मैंने इतनी मेहनत से आपके लिए ब्लॉग बनाया, तो ये बेवकूफ़ी नहीं होगी तो क्या होगा, ये बताओ, एक रीज़न बताओ कि बेवकूफ़ी नहीं है। अच्छी बात है तो बहुत अच्छी बात है, मेरे लिए तो ये सुन के तो बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि मैं तो हर हफ्ते जाती हूँ। चीनी, चाय पत्ती छोड़ो, वो सब छोड़ो, मैं तो आई वो स्नैक्स लेने जाती हूँ, मैं हर हफ्ते जाती हूँ, मैं तो हर हफ्ते अच्छे अच्छे ब्लॉग बना के डाल दूंगी, है ना। मैं तो 24 में जाती हूँ सामान लेने, तो मैं वहां का ही ब्लॉग बना दूंगी, रोज नए नए सामान मिलेंगे देखने को। मेरे कहने का मतलब है, इन सब चीज़ों को लाइक ना करके मेरे को भी छोड़ दो, और भी अच्छे अच्छे लोग ब्लॉग बनाते हैं, बहुत अच्छी बातों में बनाते हैं, उनको लाइक करो मेरे हिसाब से। तो जो इंसान, मैं ये पूछती हूँ, मैंने इसको घर को लिया है, मेरे को हुआ 6 महीने, अगर मैं 6 महीने से 100 ब्लॉग बनाकर तुम्हें कहती ये घर देखो, ये घर देखो बहुत अच्छा है ना, ये मेरा हाउस टूर है, ये मेरा हाउस टूर है, इसको देखो, मैंने देखो ये चमचा टांगने वाला मंगाया है, मैंने देखो पेस्ट वाला मंगाया है, ये एक्चुअल में 200 रुपये का पड़ा है, आप चाहो तो 100 रुपये में भी ले सकते हो। हद ही हो गई यार, सो सिली, अच्छा नहीं लगता। हर चीज़ की एक लिमिट होती है। अब मेरी बात करो, मैंने तो बहुत कुछ लिया, देखो ये लिया, ये लिया, ऊपर देखोगे छत पे तो ये है, और मेरा तो हाउस टूर दिखाऊंगी तो कोई भी कहेगा बहुत अच्छा घर है जी, बहुत अच्छा घर है, ये देखो। मेरे कहने का ये मतलब है कि भाई कोई भी चीज़ को इतना प्रचार मत करो कि इंसान फट जाए। एक है लेडी कोई भी हो,
कम से कम उसने घर लिया, 6 महीने पहले लिया, उसने कम से कम 600 ब्लॉग बना दिए होंगे अपने घर को लेके। मैंने तो यहाँ तक सुना है कि मैंने इतने का लिया, तुम इतना पैसा दोगे मैं तुम्हें दे दूंगी घर। बता नहीं, लाइफ स्ट्रीम में मैंने ये बात भी सुनी। चलो छोड़ो वो सब, बट मेरा कहना है कोई ऐसे इंसान को आप लाइक करो या कमेंट करो, कम से कम लाइक तो करो या न लाइक मत करो, कम से कम ब्लॉग तो देखो। वो भी नहीं करते आप लोग, देखते हो पर उसका ये आता है कि भाई देखा है किसी ने, पर उसमें कोई एक लाइक ना सही, कमेंट ही सही कि मैडम जी आपने ये सही नहीं किया, आपका ये ब्लॉग ऐसे ब्लॉग बनाने चाहिए, आपको कैसे ब्लॉग बनाने चाहिए, आपको किस बारे में दिखाना चाहिए ब्लॉग्स, आपको खाना बनाते हुए या उसकी बारे में बताना चाहिए, या आपको बाहर जाके ब्लॉग बनाना चाहिए, ये सब चीज़ें आपको बताना चाहिए ना। ऐसे तो कुछ होता नहीं है, ठीक है ना। अगर कोई बंदा ब्लॉग देखना पसंद करता है, अगर किसी को किसी की ब्लॉग देखना, तो वो चाहता है कि भाई मेरा जिसको मैं फॉलो कर रहा हूँ या लाइक करता हूँ उनकी वीडियो जाकर, तो मैं उसकी ब्लॉग उस हिसाब से देखना चाहूँगा कि आप अपना होम टूर दिखाओ, आप ये खाना बनाते हुए दिखाओ इसका ब्लॉग बनाओ, या आप बाहर जाके कुछ शॉपिंग कर रहे हो उसकी ब्लॉग बनाओ। पर एक बंदी है जो सब चीज़ों को मिक्स करके दिखाती है, पर मेरा आज तक नहीं समझ में आया, चाय पत्ती, हल्दी पाउडर, गरम मसाला, धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर, ये सब कौन दिखाता है? मैं तो आज तक नहीं सुना है, तो अब भी नहीं सुनना है मुझे। चलो कोई नहीं, आप लोगों को मैंने पका दिया होगा कि बाय, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, हो सके तो बेल आइकन दबा दीजिएगा, हो सके तो आपको मेरी बात अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को और भी लोगों को कर दीजिएगा, समझ गए? चलो कोई नहीं, कल मिलती हूँ, बाय।